हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप MI6 और 6A का बेसबन अननोन अनेबल टू गेट IMEI और नो सर्विस नो सिम कार्ड ठीक करना चाहते हैं फ्री में, तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। ये रेडमी 6A का मोबाइल है, देख लीजिए, ठीक है। और ऑल स्पेस पे जाते हैं, यहाँ पे ऑल स्पेक्स में आने के बाद देखिए बेसबन अननोन है, ठीक है। और IMEI चेक कर लेते हैं एक बार। अनेबल टू गेट IMEI, तो आपको बताते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं इस प्रॉब्लम को वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा 100%। ओके, तो मैं सिम डाल के कोशिश करता हूँ। यह देख सकते हैं, ये एयरटेल का सिम है, और एक सिम लगा के मैं देखूंगा ट्राई करके। आपको वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना है, ठीक है। वीडियो लंबा हो सकता है, मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। बहुत सारा टेक्नीशियन, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा आपको, जो कि मोबाइल तो रिपेयर कर नहीं सकते, लेकिन दूसरे मोबाइल का आपको दिखा के कहते हैं कि ये देखो ठीक हो गया मोबाइल। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, वीडियो लंबा होने से भी आपका बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है ये, और आपको फायदा भी मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं नो सिम कार्ड, मैंने दो सिम कार्ड लगा के रखा है, नो सिम कार्ड। ओके, तो अभी एक बार यहाँ पे नो सिम कार्ड का सिंबल है। आप कहोगे भाई मोबाइल ऑन करके सिम लगाया, तो मैं मोबाइल को रिबूट कर देता हूँ, एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करता हूँ। रिबूट कर लेते हैं। और आपको बताते हैं कि अगर इस तरह का लेटेस्ट मोबाइल के वीडियो आप देखने चाहते हैं फ्री में, तो कमेंट करके बताना आपको कौन से मोबाइल के बारे में जानना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उस मोबाइल के ऊपर वीडियो बनाने की। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नो सर्विस आया, अभी नो सर्विस, आपको जूम करके दिखाते हैं, नो सर्विस। ओके, सिम कार्ड पे जाके चेक करते हैं, अभी भी नो सिम कार्ड है। मैंने दो सिम कार्ड लगा के रखा है ऑलरेडी मोबाइल में। ओके, तो कोई बात नहीं, फिर से IMEI चेक कर लेते हैं एक बार। अनेबल टू गेट IMEI और इनवेलिड IMEI और IMEI नल, ये सब प्रॉब्लम आप इस वीडियो को देख के आसानी से ठीक कर पाओगे। मैंने मोबाइल का बैक कवर खोल के रखा है, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाता। आइए फटाफट से मोबाइल को खोल लेते हैं। आपको नेटवर्क केबल और डिस्प्ले, पावर पत्ता, USB पत्ता, ये सब खोल लेना है, ठीक है।
मैंने बोर्ड को खोल लिया है। अभी स्टीन के शेल को निकाल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वाटर डैमेज मुझे लग रहा है, आप देख सकते हैं इस आईसी के बगल में ऊपर, ठीक है। तो एक बार साफ करके देखेंगे, नहीं होगा तो इस आईसी को रिवल करेंगे, फिर भी नहीं होता तो आगे देख लीजिए मैं कैसे इस मोबाइल को ठीक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वाटर डैमेज है, तो थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। आप थिनर नहीं तो पेट्रोल यूज कर सकते हैं इसको साफ करने के लिए। यहाँ पे इस आईसी के बगल में वाटर डैमेज है, अभी साफ हो गया मेरे ख्याल से। तो हाँ, क्लियर हो गया। अभी एक बार चेक करते हैं। नेटवर्क का जो केबल है उसको भी लगा देते हैं। मैं सिम, एक ही सिम लगाता हूँ यार। हाँ, एक ही सिम लगा के चेक कर लेते हैं, नहीं तो दोनों लगा देते हैं, कोई बात नहीं। अभी ऑन करते हैं मोबाइल को। क्योंकि वाटर डैमेज होने से बहुत सारे कंपोनेंट शॉर्ट हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, ठीक है। ये सेम प्रॉब्लम है, नो सर्विस, साफ करने से ये हुआ नहीं। तो अभी आईसी को उठाना पड़ेगा, रिबल करके एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। नो सिम कार्ड है, सेम प्रॉब्लम है। तो जिस आईसी के पास वाटर डैमेज था, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम उसी आईसी के कारण आता है, ठीक है। चाहे वो वाटर डैमेज हो या नहीं हो, कोई बात नहीं। इस आईसी को अभी निकल के रिबल करके लगाते हैं, तो उस साइड पे इसका फ्रंट कैमरा है, ठीक है। ये आईसी को निकालना पड़ेगा, मेरे पास नया आईसी है, कोई बात नहीं। एक बार रिबल करके चेक करेंगे हम लोग इस आईसी को, ओके। वीडियो तो लंबा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं। एक कैमरा को अभी निकल लेना है, क्योंकि अभी एसएमडी से यहाँ पे हीट देने से कैमरा खराब हो सकता है, ओके।
तो अभी SMD से मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये SMD के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके SMD कौन से कंपनी का है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एयर और टेम्परेचर आपके हिसाब से रख लीजिए, 250 से 300 के बीच में टेम्परेचर रख लीजिए, ठीक है। और हमेशा टेम्परेचर थोड़ा सा कम करके रखना है, ज़्यादा रखेंगे तो आईसी निकालते समय और लगाते समय ही ख़राब हो जाएगा, ओके। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा हीट देने के बाद अगर तुरंत आईसी निकाल लेंगे तो इसमें आईसी खराब होने के चांस बहुत रहता है। आईसी तो मैंने निकल लिया अभी, ये देख सकते हैं, और कोई भी ट्रैक भी मिसिंग नहीं है इसमें, देख लीजिए। सारे ट्रैक सही है। अगर वाटर डैमेज नहीं है फिर भी इसी आईसी को आपको रिबल करना है, ठीक है, बाकी नीचे का आईसी का जरूरत नहीं है आपको हाथ लगाने की। इस कंडीशन में अगर बेसबन अननोन हो, अनेबल टू गेट IMEI हो और नो सिम कार्ड हो, तो इस कंडीशन में इसी आईसी को ही आपको एक बार रिबोल कर दे करके लगाना है, तो आपका 99% चांस रहेगा कि आपका मोबाइल सही हो जाएगा। मैं पेट्रोल से थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ आईसी को। प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ आपको, कोई इसमें झंझट नहीं है। अभी स्टेंसिल को साथ में रख के मैं टैप लेता हूँ, मेरे पास डॉक्टर टैप है। ये टैप बहुत अच्छा टैप है, तो आईसी को इस टैप में उल्टा करके बिठाता हूँ, ओके। तो अभी स्टेंसिल पे बिठा के इसको रिबल करूँगा मैं, ये यूनिवर्सल स्टेंसिल है। देख सकते हैं ये अच्छी तरह से बैठ गया है। मेरा कैमरा उतना खास नहीं है, माफी चाहूँगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए। हाँ, ये देख सकते हैं कंप्लीटली बैठ गया है, क्योंकि मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो, ओके। तो अच्छी तरह से इसको लगा देना है, ओके, लग गया अब शायद। इसको थोड़ा सा साइड में लेके अभी पेस्ट लगा देते हैं। आईसी और बॉल के कंडीशन के ऊपर ही पेस्ट आपको लगाना है। इस आईसी में आधा से बॉल है, तो थोड़ा सा पेस्ट से ही काम चल जाएगा, तो मैं ज़्यादा पेस्ट लगाया नहीं इसमें। थोड़ा सा क्लीन कर लेना है आपको, थोड़ा सा साफ कर लेना है, ओके। तो अभी SMD के टेम्परेचर वही 200 से 250 रखना है अभी, ठीक है। हाँ, प्रॉपरली बन गया बॉल इसका आईसी का। बस अभी थोड़ा सा इसको दबा के रखना है, हिलाना नहीं है आपको ट्वीजर को, चिमटी को, ओके, रखना है पकड़ के थोड़ा सा टाइम। हाँ, अभी छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद डबल टैप को निकाल लीजिए और थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए। आप मोबाइल के काम में आप जितना क्लीन करोगे उतना ही आपको काम में सक्सेस मिलेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आईसी को थोड़ा सा पेट्रोल से मैं साफ कर लेता हूँ। बॉल देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से बॉल बन गया।
छाप भी हो गए ये। अभी आईसी को साइड में रख के मोबाइल में थोड़ा सा काम करना है, जो आधा बॉल रह गया है आईसी के नीचे उसको छाप करना है आपको। तो उसके लिए आपको चाहिए क्या, आयरन और डी सोल्डरिंग वायर, ठीक है। अभी आपको जो ये येलो पेस्ट है, इसी पेस्ट को यूज करना है, ठीक है। और ये डी सोल्डरिंग वायर है, आयरन से धीरे धीरे इसको साफ करना है। थोड़ा सा घुमा दीजिए इस साइड में और घुमाइए अभी। आपको यहाँ पे धीरे धीरे घसीटना है ना, नहीं तो आपका ट्रैक मिसिंग होने का चांस रहेगा। पेस्ट थोड़ा सा लगा देता हूँ और मैं इसी तरह से आपको मोबाइल के बोर्ड को घुमा के साफ करना है, ठीक है। एक बार में आपको साफ करना नहीं है, एंगल को घुमा के अच्छी तरह से क्लीन करना है। बस मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे। अभी पेट्रोल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही क्लीन कर देता हूँ। टाइम ज़्यादा हो गया वीडियो का, तो मेरे ख्याल से ये एकदम परफेक्टली क्लीन हो गया। अभी आईसी को लगा देते हैं। आईसी को लगाने की तरीका दो है, एक है आईसी के जो डॉट होते हैं उस डॉट के हिसाब से, और बॉल के बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। आप दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी बॉल के हिसाब से लगा रहा हूँ ये आईसी। पहले आपको क्लियर से उसको बिठा लेना है, ठीक है, चारों ओर देख के, नहीं तो आपको आईसी को दोबारा से रिबल करना पड़ेगा। मैंने क्लियरली बिठा लिया, अभी थोड़ा सा हीट देता हूँ यहाँ पे। अभी हीट रखना है आपको 250 से 300 तक, ओके। और धीरे धीरे हीट मार दीजिए, और SMD को थोड़ा सा इधर उधर हिलाना है आपको, ना कि एक जगह पर पकड़ के रखना है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे हिलाइए और आईसी को सही तरीका से लगा दीजिए। अभी और एक बार हल्का हीट देता हूँ मैं। लग जाने के बाद आईसी को थोड़ा सा हिला देना है, थोड़ा सा, ठीक है। लास्ट एक बार हीट मार के अभी छोड़ देता हूँ इसको ठंडा होने के लिए। वैसे आप कोई फैन के आगे रख सकते हैं तुरंत ठंडा होने के लिए, क्योंकि आपको ओवर हीटेड मदरबोर्ड में आपको करंट नहीं तो डीसी
अप्लाई नहीं करना है, अभी भी गर्म है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अभी ठंडा हो गया प्रॉपरली, मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, एकदम क्लियर ठंडा हो गया, तो देख सकते हैं और क्लीन भी है। अगर क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, तो थोड़ा सा साफ कर लीजिए, और मेरे ख्याल से कैमरा को लगा के ही ऑन करते हैं, क्योंकि मुझे जितना आइडिया है अभी 100% हो जाएगा मोबाइल आपका, ये जो जो भी प्रॉब्लम था। और आपको बताते हैं आपको किस मोबाइल के ऊपर सॉफ्टवेयर नहीं तो हार्डवेयर के वीडियो देखना है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा उसी मोबाइल के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उन लोगों को भी आपकी तरह नॉलेज मिल जाए फ्री में, ठीक है। ये देख सकते हैं दोनों सिमों में नेटवर्क आ गया, एयरटेल और जियो भी, ठीक है, और बेसबन ये सब प्रॉब्लम चल गया है, अभी हट गया, कोई बात नहीं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। अभी सिम में देखते हैं, हाँ देख सकते हैं एयरटेल और जियो आ गया, तो ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर का इशू नहीं था, बहुत सारे बंदा सॉफ्टवेयर का इशू छोड़ के गलती कर देते हैं। ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गलत जो आइडिया है वो दूर हो गया, बेसबन भी सही हो गया, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया, आगे मेरे वीडियो को देखते रहिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और किस वीडियो के ऊपर आपको, किस मोबाइल पर वीडियो बनाना है आप कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय बाय।